खबर लखनऊ से है। अधीक्षण अभियंता ने की नियम विरुद्ध तैनाती। सिंचाई विभाग में नियम विरुद्ध एक ही तैनाती, प्रमोशन के बाद उसी यांत्रिक उपखंड में ही दी तैनाती। जेई से प्रमोशन में एई बने सर्वेश कुमार को दी गलत तैनाती। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने जल शक्ति मंत्री को लिखा है खत, शिकायती पत्र। एक सीनियर अधिकारी ने जूनियर अधिकारी को नियमों को ताक पर रखते हुए तैनाती दे डाली। प्रमोशन के बाद उसी यांत्रिक उपखंड में दी तैनाती। जेई से प्रमोशन में एई बने सर्वेश को गलत तैनाती, और यही बात बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने जल शक्ति मंत्री को खत लिखकर अवगत कराई है। अधीक्षण अभियंता ने की नियम विरुद्ध तैनाती। सिंचाई विभाग में नियम विरुद्ध एक ही तैनाती, सभी नियमों को ताक पर रखकर प्रमोशन के बाद उसी यांत्रिक उपखंड में दे दी तैनाती। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नरेंद्र यादव खुद भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद को चिट्ठी लिखनी पड़ गई जल शक्ति मंत्रालय को, क्या पूरा खपला क्या है ये? देखिए, सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचारों की बाढ़ आ गई है। जो जहां पे पा रहा जैसे पा रहा भ्रष्टाचार कर रहा। इसी कड़ी में आरके जैन है अधीक्षण अभियंता, इन्होंने एक जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन हुआ था उसकी तैनाती उसी खंड में कर दी, यानी कि जिन बिलों को जूनियर इंजीनियर रहते हुए पास किया था उन्हीं अपने ही द्वारा भेजे गए बिलों को सहायक अभियंता बन के पास कर। कौशल किशोर जो बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने लेटर लिखा है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को और कहा है कि ये गलत तरीके से तैनाती की गई है और इस पर कार्रवाई की जाए और जो जेईई उसके लिए उपयुक्त हो नियमों के अनुसार उसकी तैनाती की जाए। क्योंकि सरकार की जिस तरीके से इन सारे मामलों को लेकर छवि खराब हो रही है वो ठीक नहीं है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सिंचाई विभाग में सांसद पत्र लिख रहे हैं, विधायक पत्र लिख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोका जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आरके जैन अधीक्षण अभियंता हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से तैनाती किए हैं। सर्वेश कुमार की यांत्रिक उपखंड में इनकी तैनाती की गई है जो नियम विरुद्ध है। अगर कोई जहां पे तैनात रहता जिस उपखंड में प्रमोशन होता है तो दूसरे उपखंड में उसकी तैनाती की जाती है। जी अच्छा, तो किस तरीके का घपला सामने आ रहा है? कुछ घपलेबाजी है या महज नियमों को दरकिनार कर उसी उपखंड में उनकी तैनाती कर दी गई, या साफ तौर पर कालाबाजारी भ्रष्टाचारी सामने भी आ रही है? देखिए, यह एक तरीके का भ्रष्टाचार ही होगा, नियम विरुद्ध तरीके से काम किया गया। अगर एक अधिकारी एक जेई अपने पद पे रहते हुए एक फाइल को अपने उच्च अधिकारी के पास भेजता है तो उसका अप्रूवल होता है, लेकिन यही व्यक्ति उस पद पर पहुंच जाता है अपने द्वारा ही भेजी गई फाइलों को अनुमोदित करता है तो एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, एक बड़ी अनियमितता होती है जो विभाग में नहीं होनी चाहिए। विभागीय नियमावली बनाई गई है और नियमावली का पालन करते हुए प्रमोशन किया जाता है, पदों पर तैनाती की जाती है, लेकिन आरके जैन द्वारा मनमानी की गई है और इस मनमानी पर विभाग आंखें मूंदे हुए है। उच्च अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद को ही पत्र लिखना पड़ रहा है, यानी अपनी सरकार में ही अपने मंत्री को पत्र लिख के अवगत कराना पड़ रहा है। पत्र भेजे 3-4 महीने हो गए हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और जो विभाग से सूचनाएं आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि इस तरीके का यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाया गया है, जो फाइलें पास की जा रही है गलत तरीके से काम हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए विभाग को और मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए और नियमों को देखते हुए तैनाती करनी चाहिए, जिससे वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश ना हो और सरकार की जैसी मंशा है मंशा के हिसाब से काम हो सके। जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।